हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी केक रेसिपी, जो चॉकलेटी भी है और कलरफुल भी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर 1/3 कप ऑयल। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क मेड, तो यहाँ पर मैं 1/2 कप मिल्क मेड ले रही हूँ। आप चाहें तो 1/2 कप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप दही। दही डालने से बहुत ही फ्लफी एंड सॉफ्ट बनेगा। यदि आपके पास ये ना हो तो आप गुनगुने दूध में 1 टीस्पून विनेगर डाल दीजिएगा, तो वो दही का ही काम करता है। अच्छी तरह से हमने इसे विस्क कर लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम एक स्ट्रेनर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 से 2 कप के लगभग मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें छान कर लेने से जो हमारा केक है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 कप के लगभग मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया हमने। हम इसे चॉकलेटी बना रहे हैं, तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कैडबरी का हॉट चॉकलेट ले रही हूँ। इससे बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ स्ट्रेन कर लेना है। आप चाहें तो इसे 2 बार भी स्ट्रेन कर सकते हैं अलग बर्तन में लेकर। एक बार से भी ये बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। अच्छी तरह से हमने सभी को छान लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सर हमारा ड्राई हो गया है। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क। सारी चीज़ें हमने रूम टेम्परेचर पे ली है, ना ही बहुत ठंडी ना ही बहुत गर्म। तो इसमें 1 कप के लगभग मिल्क लग जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें ना ही बहुत थिक रखनी है ना ही बहुत थिन, मीडियम ही रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मिल्क ऐड करते जाएं और बैटर को बिल्कुल लम्स फ्री और स्मूथ बनाना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल लम्स फ्री। 1 कप में इसमें हमारा जो मिल्क है वो पूरा लग चुका है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। केक टिन को अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर से। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब बैटर को हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम पोर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने वेनिला एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा चॉकलेट पाउडर है उसमें अपने आप ही एक फ्लेवर है। यदि आपको डालना है तो आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से अब हम इसे टैप कर लेंगे। इसे हम विदाउट अवन के बेक कर रहे हैं। अगर आप इसे अवन में कर रहे हैं तो आप 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। इसे बेक करने के लिए एक मोटे तले का बर्तन ले रहे हैं, उसके नीचे एक हमने प्लेट रख ली है। 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे हाई फ्लेम पर। अच्छी तरह से बर्तन हमारा गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। केक टिन को रख देंगे। 20 से 25 मिनट इसे लग जाएंगे बेक होने के लिए। 20 मिनट में आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा टूथपिक डालकर। टोटल 20 से 25 मिनट लग गए हमारे केक को बेक होने में। बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हो गया है। केक को बाहर निकाल के ठंडा करके ही हम डीमोल्ड करेंगे। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। अब केक की क्रीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप व्हिप क्रीम। ये अच्छी तरह से चिल्ड होनी चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। पीसी हुई चीनी हमने डाली है। फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इसे बीट कर लेंगे जब तक कि ये साइज में बिल्कुल डबल ना हो जाए। केक हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसे डीमोल्ड कर लेंगे। केक को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसे रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जिससे कि वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। बहुत ही फ्लफी एंड सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है।
मैं इसे 3 लेयर में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो डबल लेयर में भी कट करके बना सकते हैं। बहुत ही जालीदार और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छी तरह से विप हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक केक बेस, इस पे हम रख देंगे हमारा केक और शुगर सिरप से और अच्छी तरह से हम इसे सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी को पानी में घोलकर इसका शुगर सिरप बना लिया है। सभी तरफ अच्छी तरह से हम पोर कर देंगे जैसे कि हमारा केक बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी इसमें लगा सकते हैं। अब विप क्रीम लगाकर इसे अच्छी तरह से हमें सेट कर देना है, सभी तरफ अच्छी तरह से क्रीम लगाना है। तीनों लेयर को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना पड़ता है क्योंकि हम इसे बिल्कुल फ्री हैंडली बना रहे हैं। अब यहाँ पर साइड पर मैं लगा रही हूँ बिस्किट, तो आप चाहें तो ओरियो लगा सकते हैं या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप चाहें तो केवल क्रीम से ही इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो सभी तरफ हम बिस्किट लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने केसरी कलर मिला दिया है व्हिपिंग क्रीम में और इसे हम स्टार बना लेंगे। तो आप चाहें तो अपने अनुसार जैसा इसको डेकोरेट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। सभी तरफ हमने स्टार बना लिया है। बीच में भी हम इसी तरह से डिजाइन दे देंगे, जैसी आप चाहें वैसी बना सकते हैं। अब इसके साइड में और इसके बीच में हम ये स्प्रिंकलर लगा देंगे जिससे हमारा केक देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ऊपर से भी बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं या फिर जो भी स्प्रिंकलर आपके पास हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट चॉकलेटी और कलरफुल केक बनकर तैयार है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।